सरकार ने कहा है कि गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि सामान्य है और यदि अनाज की कीमतों में कोई असामान्य वृद्धि होगी तो सरकार बाजार में जरूर हस्तक्षेप करेगी। आपको बता दें कि खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार के पास अपने गोदामों में गेहूं और चावल दोनों का अधिशेष स्टॉक है जिसका उपयोग बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए किया जाएगा। वहीं कीमतों में वृद्धि कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा कि गेहूं का उदाहरण देते हुए बोले कि कीमतों में वृद्धि सामान्य है क्योंकि पिछले साल थोक कीमतों में गिरावट आई थी जब सरकार ने अपनी खुली बाजार बिक्री योजना के तहत उपभोक्ताओं को भारी मात्रा में अनाज बेचा था। पांडे ने कहा है कि गेहूं की थोक कीमत 14 अक्टूबर 2021 को 2331 रुपए प्रति क्विंटल थी जबकि वर्ष 2020 में इसी दिन ये कीमत 2474 रुपए प्रति क्विंटल थी। इसीलिए पिछले साल से चालू वर्ष में गेहूं की कीमतों में हुई वृद्धि की तुलना उचित नहीं है। इसकी तुलना वर्ष 2020 में प्रचलित कीमतों के साथ की जानी चाहिए। वर्ष 2020 की कीमतों की तुलना में इस साल 14 अक्टूबर को थोक गेहूं की कीमतों में 11.42% की वृद्धि हुई है और यह 2757 रुपए प्रति क्विंटल रही है। खुदरा गेहूं की कीमतों में 12.01% की वृद्धि देखने को मिली है और यह 31.06 रुपए प्रति किलोग्राम देखने को मिली है। वहीं यह वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य ईंधन और परिवहन और अन्य खर्चों में वृद्धि के अनुरूप है। सुधांशु पांडे ने कहा है कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि सरकार के पास अपने गोदामों में गेहूं और चावल का संतोषजनक भंडार है। इसका कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार की ओर से जरूरत के मुकाबले अधिक खरीद किया जाना है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार के पास 1 अक्टूबर तक 205 लाख टन के बफर मानदंड के मुकाबले गेहूं का भंडार 227 लाख टन था। इसी तरह इसी अवधि में 103 लाख टन के बफर मानदंड के मुकाबले चावल का स्टॉक 205 लाख टन था। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी आवश्यकताओं के लिए मुफ्त अनाज की सप्लाई के बाद भी 1 अप्रैल 2023 तक गेहूं और चावल का अनुमानित स्टॉक सामान्य बफर मानदंडों से बहुत अधिक होगा। आपको बता दें कि FCI के अध्यक्ष मीना ने कहा है कि सरकार पूरी तरह सचेत है और नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य परिदर्शन की निगरानी कर रही है और आवश्यकता अनुसार जरूरी कदम भी उठा रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कीमतों में तेजी पर लगाम लगाने के लिए काफी कदम उठाए हैं। गेहूं और चावल की कीमतों में तत्काल नियंत्रण के लिए गेहूं के मामले में 13 मई से और टूटे हुए चावल के मामले में 8 मई से निर्यात पर रोक लगाई गई है। मीना ने यह भी कहा है कि 1 अक्टूबर से शुरू हुए रबी सत्र में गेहूं का उत्पादन फिलहाल सामान्य रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।